तो अपना काम ख़त्म हो गया, अपने फ्रेंड को मिलना था और एक जो पार्सल लेना था वो हमने ले लिया है। अभी बस की वेट कर रहे हैं। यहाँ पे ये वाला जो स्टैंड है ना, यहाँ पे ये वाला स्टैंड पे अभी बस आएगी। यहाँ पे टोरंटो में हर 5 मिनट में बस आती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अभी 2:49 गई और 5 मिनट में, हर 5 मिनट में आती है। बोला अच्छा है, जैसे मैं जा रहता हूँ वाटर किचनर, वहाँ तो वीकेंड पे हाफ एन आवर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हर 5 मिनट में आते हैं। बहुत ही अच्छा है भाई यहाँ, ये थोड़ा चलो ठीक है, अच्छा भी लगता है कि चलो हर 5 मिनट 10 मिनट आते हैं। एक मिस हो गई कि अब भी मेरे सामने से वो एक बस गई, और क्योंकि बहुत गाड़ियाँ थी मैं दौड़ नहीं पाया तो वो निकल गई राइट, और वो खड़ी भी नहीं, कोई उतरा नहीं। तो अभी जैसे ही आता है तो मैं बैठता हूँ, और अभी मैं जा रहा हूँ कैनेडी, देन वहाँ से मैं सबवे लेने का प्लान है। सबवे से मैं जाऊँगा सीएन टावर, मतलब टोरंटो डाउनटाउन, देखते हैं अगर टाइम होता है थोड़ा बहुत घूमेंगे, और फिर मैं निकल जाऊँगा अपने घर की ओर। तो देखते हैं, अभी मैं पहुँचता हूँ। वैसे तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, वैसे तो अच्छा है, इसका आबरू भी अच्छा है, अच्छा सिटी है। तो देखते हैं, अभी थोड़ा धूप खिली हुई है, हाँ ह्यूमिड नहीं है तो अच्छा है, लेकिन धूप खिली हुई है यहाँ पे, तो वेदर बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ तो एक अपडेट ये है कि वीकेंड पे ये 15 मिनट्स हो जाता है बस का टाइम, और वीकडेज में 5 मिनट्स रहता है, क्योंकि अभी मैंने देखा मैप में तो एक जो 15 मिनट में, मैंने सही बोला था 2:49 के एक आई, अभी 3:03 को है, तो 3:04 समथिंग है तो यहाँ पे होता है, तो देख लेता हूँ मैं। और शायद यहाँ पे मैं देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी होता है कि जो टिकट होता है मेरे पास, यहाँ का TTC चलता है टोरंटो में, TTC जैसे किचनर वाटल में GRT चलता है, वैसे टोरंटो में TTC बस चलता है, मतलब TTC ट्रांसपोर्ट। तो उसमें अगर आप उसका जो पास का वैल्यू है वो 325 है, वन टाइम पास का, जो सेम है किचनर वाटल में भी, लेकिन वहाँ पे वो 90 मिनट तक वैलिड रहता है, यहाँ पे 2 आवर्स तक शायद रहता है, जैसे मेरे दोस्त ने बताया मुझे, तो 2 आवर्स रहता है। तो मैं देख लेता हूँ कितने रहता है, वो पॉइंट्स डाल के आई विल चेक कि कितने टाइम वो वैलिड रहता है, मैं आपको बताऊँगा। तो अगर आप, मतलब अगर आपको यहाँ पे तो अच्छा है, हाँ, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे 2 घंटे का कुछ काम है तो आप यहाँ का लोकल पास ले सकते हो 325 में। तो मैं देखता हूँ अभी क्या है यहाँ का सीन और आपको बता रहा हूँ। Gives a transfer ticket? Yeah, that's a transfer. Okay, so can I use that in the subway? Or yeah, you don't have to pay the transfer. And I can travel in the subway, right? Yeah. Okay, thank you so much. Yeah. पूरा सबवे स्टेशन, मैं भी पहली बार ही आया हूँ यहाँ पे, तो अभी मेरे को जाना है यूनियन स्टेशन, सो आई आस्क एट इंफॉर्मेशन डेस्क, देन जाऊँगा अभी तो वॉशरूम, पहले मुझे जाना है, बहुत ज़ोर से लगी है। हम तो किया था वो वाला टिकट ट्रांसफरेबल था, लेकिन इस यहाँ पे कोई स्कैन करना है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, तो मैं पूछ लेता हूँ कि ये टिकट चलेगा या नहीं चलेगा, आई लेट यू नो। So I want to go to Union Station. So is this valid? No, it's like this. Since you are inside the station, okay. For one full trip, this is good. Okay. If you are, this is for when you are going outside the station, change direction. Say you are going east to west. Okay. And you want to go north. Okay. So then, in the intersection, you use this. But inside, you don't use anything. You just go. Okay. So let me give you a tip. So take one from there. Yeah. Take one from there. Since you are inside. Yeah, the transfer. How do you do? Take one from there. There you go. Okay. Don't worry. Thank you so much. Yeah. So, but I want to go to Union Station. Nobody's gonna ask you anything. Yeah, but from which direction should I take? There's only train going towards Union Station. No, you have to go Yangon Block. Okay.
you take the train. Okay. It will take to Yonge and Road, get down, and from Yonge and Road go to south. Okay. Then I'll get the Yonge and Road, get down, okay, and take the train which is going south towards the Union Station, not towards the Finch. Okay. Which is going Union Station, is still to the The moment you go to Yonge and Road, you can see on the speakers, change train to line 1. So you change train. Go south. Okay. So I go down. Over here you go down. Okay. Yonge and Road, change it. Okay, thank you. And if you go north, you are going to go there. Okay. Go down. Okay. Thank you so much. Not here. Oh, thank you so much. Get down here, Yonge and Road, and then वहाँ से south लेना है. तो अभी मैं बैठ गया हूँ यहाँ पे ट्रेन में, सबवे में. Let's see, अभी कब डिपार्ट होगी. So Yonge and Road पे ड्रॉप होके मुझे वहाँ से साउथ में जाना है. एक और यहाँ से ये कैनेडी है, और कैनेडी से सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाती है, ट्रांग. सो राइट नाउ आई एम कैनेडी एंड सो उसमें हम कैनेडी से एक ही डायरेक्शन में जाती है जो उन्होंने बोला. और वहाँ पे एक मशीन होगी जिसमें से आप ये वाली टिकट ले लीजिए, तो और ये भी ट्रांसफरेबल है, ये वाली टिकट तो मैंने आपको बताया. तो ये जो बड़ी वाली टिकट है जो बस में नहीं, तो एक ही डायरेक्शन में जाते हो तो टिकट वैलिड रहेगी. अगर आप चेंज करते हो डायरेक्शन तो आपको नई टिकट लेनी पड़ेगी. लेकिन मुझे जो इन्होंने ये वाली टिकट मुझे बोला कि ले लो, ये वहाँ पे जो मशीन रहता है वही ले लो. तो हाँ, तो ये चलो अच्छा एक्सपीरियंस है. मुझे कुछ जानने को मिला है RTTC का डाउन टाउन पे ट्रांसपोर्ट का मुझे जानने को मिला. तो मैं एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ कि अगर आप कैनेडी पे हो और अगर आपको यूनियन स्टेशन जाना है, तो आपको कैनेडी से जो जो ये सबवे होता है वो लेना है, और वहाँ से आपको ब्लर एंड यंग पे उतरना है, ड्रॉप होना है, और फिर वहाँ से आपको जाना है. वहाँ से फिर से एक सबवे चेंज करके साउथ वाली लेनी है, टेन आप पहुँचोगे. अभी तो खाली है, और ये हर 5 मिनट में आती है. 5 मिनट पहले मैं जब वॉशरूम गया था, तभी थी, और ये उसी मैंने जब तक इंफॉर्मेशन निकाली तब तक ये दूसरी आ गई. तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट नाउ से हो जाती है, देखते हैं. वैसे तो छोटी है, छोटी है. तो यहाँ पे अभी मैं हूँ, यहाँ पे ये रहा जो 213 लिखा, तो मैं कैनेडी पे हूँ, और मुझे वहाँ से ये देखो यंग एंड ग्लो दिख रहा है. वहाँ पे आपको मेरे गेट डाउन होना है, फिर वहाँ से देखो ये साउथ वाली लाइन देखिए, यहाँ पे यूनियन है, तो यहाँ पे गेट डाउन रखा. आपको साउथ बाउंड से जाना है, तो मैं अभी जा रहा हूँ, देख रहा हूँ ऊपर जाना है साउथ बाउंड के लिए, ऊपर जाके कुछ देखते हैं. तो मैं सही लोकेशन पे आया हूँ, यही से जाना है यूनियन स्टेशन. One time.